साथियों, आज हम लोग यहाँ पर जिस बात पे बैठे हैं कि तीनों काले कानून, ये काले कानून में एक बड़ा सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि इसका मजदूरों से कोई वास्ता नहीं है, किसानों का सिर्फ मामला है। ऐसा नहीं है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, एक छोटी सी बात बताऊं, आप लोग देख लीजिएगा इसमें सरसों के तेल का दाम क्या है, 200 रुपए के किलो ऊपर बता रहे हैं और 250 बता रहे हैं, कोई 220 बता रहा है। आखिर में क्या है, सरसों का दाम इतना है, काली पीली सरसों का दाम कितना है। यहाँ पर सलमान भाई है, इसी का सब्जी का जो अनाज का कारोबार करते हैं, बताइए सलमान भाई है ऐसा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेट वही पुराना जो अब तक से था और कम हो गया है सरसों का रेट, लेकिन सरसों का तेल 250 रुपए, यही है जो किसी कानून अमा पर ला के डाला जा रहा है। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ही डाला जा रहा है, ताकि हमसे वो किसानों से सस्ती चीजें खरीद के मॉलों में अपने मॉल अपनी दुकान बना के वो एक गुना वाली चीज को 10 गुने में बेचे और सरसों का तेल उसका सामने आ गया है। तो इसलिए आप लोगों को सबको इसमें मिलजुल कर किसानों का साथ देना है और हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होकर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से और एक दफा एक नारा लगाना है, सोशलिस्ट पार्टी। हम लोग आज जिस बात पर बैठे हैं, जिस पर बात करना है कि इस देश में आप लोग लाइन लगाकर हर महीने राशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो कानून है, उस कानून में कहीं पर भी अनाज खरीदने की बात सरकार नहीं कर रही है। और इस देश में जानते हैं कितने लोग अनाज खरीद लेते हैं सरकारी सिस्टम से? 80 करोड़ लोग लेते हैं अनाज। आखिर में आज इस किसान का सवाल नहीं है। अभी हमारे साथी राघवेंद्र भाई बात कर रहे थे रौलट एक्ट का सवाल। रौलट एक्ट भी इसी तरह से कानून आया था जिसके खिलाफ पंजाब में बगावत की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जहां से भगत सिंह और उधम सिंह की पैदाइश होती है, और वो भी पंजाब ने शुरू किया था। हमको शुक्र गुजार होना चाहिए पंजाब के हरियाणा के किसानों का जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हम लोग भुखमरी से मर जाए उसकी लड़ाई आज पंजाब के भाई बहन हमारी लड़ रहे हैं। इसलिए आज हमको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और साथियों, 470 से अधिक किसान आत्महत्या के वहाँ पर सहायक हो चुकी है। साथियों, हम लोग इसी के साथ हम छोटी सी बात बता रहे हैं, किसी घंटा घर के तमाम यहाँ पर लोग जो धरने में थे रहते थे वो भी लोग यहाँ पे थे। आप देखिएगा घंटा घर में किस तरह से कई माताएं बहने हमारी वहाँ पर शहीद हुई, ठीक 7 महीने में इस तरह से 470 से अधिक किसानों की शहादत हुई है। तो साथियों, आज की डेट में हमको ये तय करना है कि मजदूरों किसानों की लड़ाई को हमको मजबूत करना है। इस लड़ाई को बिना युवाओं के इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता। और हमारे बीच में युवा शक्ति संगठन के गौरव भाई है। मैं गौरव भाई को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि गौरव भाई अपनी बात रखें। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, बिना काले कानून वापस लो, किसान मोदी मोदी सरकार वापस जाओ, किसान मोदी मोदी सरकार मुर्दा पाओ, हमारी लाइन जिंदा पाओ, सोशलिस्ट पार्टी जिंदा पाओ।